मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। हेलो गाइस, ये है सुबह का टाइम। आज मैं बना रही हूँ व्लॉग, जितना होगा कोशिश करूँगी। एंड अभी सुबह का टाइम है, बस मैं इसको उठा रही हूँ एंड देन इसको नीचे ले जाके मालिश करेंगे हम। यहाँ पे इसकी मालिश हो चुकी है और उससे पहले इसने पिया था दूध, क्योंकि वही सबसे पहला काम होता है। मालिश की है मैंने सेबम एड मसाज ऑयल से, काफ़ी अच्छा ऑयल है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ बट मुझे काफ़ी पसंद आया, थोड़ा सा कॉस्टली है। वाइप्स यूज़ कर रही हूँ हिमालया के। तो अब चलिए बिना देर किए हुए इसको ले चलते हैं नहलाने के लिए। दिखाती हूँ नहलाने के लिए मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, वो भी आपसे शेयर करूँगी। और इसको मैं बेड पर ही नहलाती हूँ अभी, मैं इसके लिए बाथरूम में यूज़ नहीं कर रही हूँ। बेड में ही टब ला के एक शीट बिछा के और उसका जो है बाथिंग वहीं पर करा रही हूँ। अब देखती हूँ आगे, शायद मैं बाथरूम में ले जाना शुरू करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ करिश्मा और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बेबी के साथ। तो बेबी की मसाज हो चुकी है, दूध पी चुका है, अब मैं उसको जा रही हूँ नहलाने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या प्रोडक्ट उसके लिए अभी यूज़ कर रही हूँ। का टब जिसमें है नॉर्मल हॉट ल्यूक वार्म वाटर, साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ हेड एंड बॉडी वॉश पिजन का। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे खुद के चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। एंड साथ में बस अब ये इसकी ड्रेस रेडी है जो कि मैं इसको नहा के पहनाऊंगी। और ये हमारे बाबूजी रेडी हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? चलो आप इसको नहा के रेडी करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। बेबी नहा चुका है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालया का पाउडर बेबी के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो यही वाला मैं यूज़ करती हूँ फिलहाल। एंड बस अब इसको नहा के मैं रेडी करूँगी, कपड़े पहनाऊँगी एंड दूध पिला के सुलाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे बस मैं बेबी के साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो आजकल के इस बिज़ी टाइम में नहीं मिलता है बच्चों के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने का। तो जब उनका मसाज करो, उनको नहलाओ, उनको खिलाओ, हर टाइम आप उनसे बात करो सो दैट वो लोग भी आपसे कनेक्टेड फील करें और वो लोग रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसका नाम हमने रखा है प्रियांश, पी से आया था। आपके मन में अगर कोई और इससे बेटर नाम हो तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। एंड बेबी को नहलाने में कितने पसीने आ गए देखो। तो बेबी तो नहा लिया, अब बारी है मेरे खुद के नहाने की। नहा के उसको दूध पिला के सुलाना है मुझे। बहुत परेशान करता है आजकल, रात को जागता है 2 बजे से 5:30 बजे तक जागा है और मैं उसको लेके लिटरली बैठी रही हूँ। मतलब मैं रात में सोई ही नहीं हूँ क्योंकि मेरा सोने का टाइम ही 1:30-2 बजे से है। जब सोने जाती हूँ तो ये उठ जाता है, मतलब कैसे सोऊंगी फिर। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, बहुत हैक्टिक जा रहा है। आप लोग बोलते हो व्लॉग बनाओ पर व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इसको देखूं या कैमरा पकड़ूं समझ में नहीं आता, ये चीज़ हो जा रही है आजकल। तो चलो अभी मैं नहा लेती हूँ, नहा के इसको दूध पिला के फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैं इसको बर्फ दे रही हूँ इस तरह से बिठा के, मुझे काफ़ी फनी लगती है ये पोजीशन और इसलिए मैंने इसका फ़ोटो क्लिक किया। यहाँ पर आज ही अच्छे से सो ही नहीं रहा है, मैंने काफ़ी कोशिश कर ली इसको सुलाने की लेकिन ये नहीं सो रहा है। मेरे को लग रहा है कि इसको स्टमक एक है, तो मैं कॉलिकेट नहीं देती हूँ स्टमक एक में। उसको मैं जनरली हींग को थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स करके उसके नाभि में लगाती हूँ और उसके बाद तुरंत पुट करके उसका सारा गैस रिलीज हो जाता है। और नहीं तो फिर लेग्स का थोड़ा सा एक्सरसाइज कर देती हूँ, थोड़ा मसाज कर लेती हूँ तो वो ठीक हो जाता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम कर रहे हैं बेबी का फ़ोटोशूट। बेबी हो गया पूरे 1 मंथ का। जी गाइज, वो वाला व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि बेबी वॉज नॉट वेल दैट टाइम, तो मुझसे नहीं हो रहा था उस टाइम पे रिकॉर्डिंग एंड ऑल। तो ये जो है नेक्स्ट डे का वीडियो है जहाँ पे मेरा भी 1 मंथ का कंप्लीट हुआ है। जो भी मेरे पास आइडियाज़ थे अपने घर के वो यूज़ करके मैंने ये इस तरह से फ़ोटोशूट किया और मुझे काफ़ी मज़ा आया इसको करने में, क्योंकि जनरली लाइक मितांश के टाइम पे मैं ये सब कुछ नहीं कर पाई थी। तो मुझे बहुत लाइक अभी भी मैं उसकी पिक्चर्स देख नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। और इस तरह से मैं अगर ये सारी चीज़ें करके यूट्यूब पे डाल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक मेमोरी क्रिएट कर रही हूँ जो मैं कल को कभी भी जहाँ भी मैं कहीं पर भी हूँ मैं जस्ट खोल के जो है ये सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ सब कुछ देख सकती हूँ, मेरा बेबी भी देख सकता है। तो इसीलिए मैंने ये फ़ोटोशूट किया और मुझे याद भी रहेगा 1 मंथ में बेबी कैसा था एंड ऑल। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था। तो ये था फाइनल पिक्चर जो एक ढंग का शॉट थोड़ा सा। तो गाइस फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है, मैंने बहुत सारी रील्स अच्छी अच्छी इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी वो मैंने वहाँ पोस्ट कर दी हैं। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, मेरी आईडी है करिश्मा भाई साहा के नाम से, आपको नीचे दिख जाएगा। एंड येस, आजकल पूरा दिन जो है वो बेबी के साथ ही जा रहा है। एंड एक्चुअली क्या है ना कि 2 से 3 घंटे वो सोता है, फिर उसके बाद मैं उसको उठा के वही दूध देना, सुबह मालिश, शाम को मालिश और फिर उसके बाद लाइक पूरा रूटीन ऐसे ही हुआ पड़ा है। फिर आपको पता ही है मैं ब्रेस्ट फीड बॉटल के थ्रू दे रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है, तो टाइम ही नहीं मिलता है फर्दर। लाइक फैमिली के साथ रहती हूँ तो मौका भी नहीं मिलता व्लॉगिंग करने का, जैसा कि आप लोग मुझसे चाहते हैं व्लॉगिंग करना। मैं कोशिश कर रही हूँ
एंड आई जस्ट होप कि कोशिश सक्सेसफुल हो पाए. एंड प्लीज़ गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू वॉच मी, तो ऑब्वियसली मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है. इट्स नॉट लाइक कि बस फ़ोन उठाया और हो गया. रिकॉर्डिंग करना, बोलना, फैमिली के सामने बोलना, एंड देन उसको पोस्ट करना, एडिट करना, सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं. इतना ईजी नहीं है जितना दिखता है. तो अगर मुझे व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, आप लोग अगर देखोगे, पसंद करोगे, तो ही मैं ये सारी चीज़ें शूट करूँगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी. मेरा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ डिलीवर करना, लाइक जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है या जो भी मुझे नॉलेज है, मैं वो अपने वीडियोस के थ्रू आपसे शेयर करती आई हूँ अब तक. और फिर मेरा वही रहेगा, व्लॉगिंग मैं नहीं करूँगी, बट येस आई एम जस्ट गिविंग चांस टू माई सेल्फ वेदर आई कैन व्लॉग और नॉट. सो दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग. इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच द वीडियो, शेयर माई वीडियोज, एंड थैंक यू सो मच. ये वाला व्लॉग यहीं एंड करी. थैंक यू.